Okay, so Pradeep, let's proceed ahead with your HR for ONGC, and in that we will go for technical questions also. So please introduce yourself, Pradeep. आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं. यस सर. यस सर. गुड इवनिंग सर. माय नेम इज प्रदीप कुमार. आई एम फ्रॉम चरखी दादरी हरियाणा. आई हैव डन माय सेकेंडरी एजुकेशन फ्रॉम बीजीआरडी पब्लिक स्कूल विद 7.2 सीजीपीए. आई डन माय सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन फ्रॉम राव प्रहलाद सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल खातोद महेंद्रगढ़ विद 84%. एंड देन आई डिड माय बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग from Deen Bandhu Choturam University of Science and Technology, Murthal, Sonipat in 2017 with 7.3 CGPA. I have done my M.Tech in Packaging Technology from IIT Roorkee in 2021. My B.Tech project is to design and fabricate of waste heat recovery from refrigeration cycle. And my hobbies is to playing sports. I have won a gold medal in badminton in university tournaments, and I also participated in North Zone Inter University from my university in kabaddi tournament, and I also play volleyball and cricket, and this is all about my hobbies. And talking about my family background, we have family of my four peoples. My father is an retired Indian Army person, and my mother is a housemaker. And one is my younger sister. This is all about a brief introduction about me, sir. अच्छा प्रदीप, आप चरखी दादरी से हैं, right? यस सर. यस सर. दो एरोप्लेन का क्रैश हुआ था वहां पे. यस सर. यस सर. कौन कौन से एरोप्लेन थे वो? किस एयरलाइंस के थे? सर, एक कजाकिस्तान एयरलाइंस और एक सऊदी अरेबिया बोइंग का, सऊदी एयरलाइंस का सर. क्या गलती हुई थी सर? कम्युनिकेशन गैप आई थिंक सर. किसके पार्ट पे? क्या सर? किसके पार्ट पे कम्युनिकेशन गैप हुआ था? कजाकिस्तान या सऊदी अरेबिया? सर ये तो नहीं पता सर. नो आइडिया. अच्छा, कितने पायलट होते हैं कॉकपिट के अंदर? सर एज आई हैव सीन टू पायलट्स. अच्छा, पायलट के अलावा भी होता है क्या कॉकपिट के अंदर कोई? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं. नेविगेटर सुना तो आपने? नेविगेटर कौन होता है? नेविगेटर सर. नहीं 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 पता. फ्लाइट इंजीनियर नहीं पता सर. नहीं. ओके. अच्छा, आप छोटू राम दीन बंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी से हैं? यस सर. कौन थे दीन बंधु छोटू राम? सर छोटू राम दीन बंधु छोटू राम एक सोशल वर्कर थे सर, जो कि जिन्हें दीन बंधु का टैग दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जो लोगों की हेल्प करते थे और मेनली किसानों के लिए लड़ते थे सर. और जो भी जो गरीब थे उनके मसीहा थे सर एक प्रकार से. अच्छा, आप वेस्ट हीट की बात कर रहे थे. यस सर. यस सर. क्या होती है वेस्ट हीट? सर एक्चुअली जो जैसे एक एक टर्म होती है अवेलेबिलिटी, जिसमें मैक्सिमम हीट यूटिलाइज हो सकती है जो एक्सर्जी होती है सर. लेकिन जो अनयूटिलाइज फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी होती है, जो कम्प्लीटली कन्वर्ट मतलब उसमें एक्सर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाती, तो उसको यूटिलाइज करते हैं सर. जैसे आप अनअवेलेबल एनर्जी की बात कर रहे हैं क्या? यस सर. यस सर. अनअवेलेबल एनर्जी को उसका कुछ पार्ट हम यूटिलाइज कर सकते हैं सर. अच्छा प्रदीप, अगर मैं एक ग्लास गर्म पानी का रख दूं कमरे में. यस सर. तो अनअवेलेबल एनर्जी कैसे निकालोगे उसकी? सर उसका डेड टेम्परेचर तक सर उसकी निकालेंगे सर. फॉर्मूला डिफरेंस आपको सारा कुछ पता है? टेम्परेचर वगैरह सब पता है आपको? यस सर. अब बताओ. टी इनटू डेल्टा एस. डेल्टा एक्स से निकालेंगे सर. एंट्रोपी ऑफ टेम्परेचर एट विच वाटर इज प्लेस्ड टू द डेड स्टेट विच इज इन द सराउंडिंग टी नोट.
सो उससे क्या वन बाई अगर उस एनर्जी से ट्रांसफर होगी, जैसे 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 Q1 हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम लिक्विड वाटर टू द सराउंडिंग, तो सर उसमें से एंट्रोपी निकाल लेंगे सर. ओके अच्छा आप मेरे को बता रहे थे आपके फादर आर्मी में हैं. यस सर यस सर. तो आपने नहीं सोचा कभी आर्मी ज्वाइन करने का? सर इट इज माय फादर ड्रीम टू बी एन इंजीनियर, दैट माय सन इज एन इंजीनियर, सो एंड ही डिडंट वांट टू ज्वाइन इन इंडियन आर्मी बिकॉज़ सर ही इज इन हिज लाइफ ही फेस चैलेंजेस टू फार अवे फ्रॉम द फैमिली, सो ही वांटेड टू बी दैट द होल फैमिली इज लिव टुगेदर, सो आई परस्यूड हिज ड्रीम. एंड ओके प्रदीप, आप बैडमिंटन भी खेलते हैं? यस सर यस सर. अच्छा आपने कभी देखा जो शटल मारते हैं तो शटल हमेशा जब आगे जाती है तो उसके बेस पे ही चेंज होके बेस की तरफ ही हमेशा बन जाती है वो, ऐसा क्यों होता है? शटल को क्या बोलते हैं? चिड़ी बोलते हैं ना, चिड़ी. चिड़ी बोलते हैं सर, चिड़ी बोलते हैं. चिड़ी का मुंह ही आता है बस आगे की तरफ, पंख पीछे होते हैं चिड़ी के. क्यों? जैसे तुम मारते हो डायरेक्शन चेंज कर लेती चिड़ी अपना, ऐसा क्यों है? यस सर यस सर. नोट किया तुमने? सर नोट तो किया है ये तो, लेकिन उसका टेक्निकल सर फीदर की जो वो होती है ना सर, जो फीदर की उसमें जो वो जो एयर का जो मूवमेंट होता है वो उसको डायरेक्शन को चेंज कर देता है सर, जो ड्रैग फोर्स जो लगता हो सर आई थिंक. अच्छा आप बैडमिंटन के कुछ मेन प्लेयर्स के नाम बताओ हरियाणा के जो ओलंपिक्स में गए हों. ओलंपिक्स में सर गया था कोई हरियाणा से? वो लड़की गर्ल का नाम है सर, अभी क्लिक नहीं कर रहा, अभी मेरे को याद कर दे एक मिनट सर. साइना नेहवाल सर, हरियाणा से हिसार से गई है सर. गई थी इस बार ओलंपिक्स में? ये इस बार नहीं गई सर, लास्ट टाइम. इस बार ओलंपिक्स में हमें मेडल वगैरह मिले हैं इसमें. यस सर. गोल्ड मेडल भी मिला है नीरज. वो ओलंपिक सर प्लेयर्स जो गए थे हरियाणा से वो तो पता है सर मेरे को. नहीं इस बार हमें ओलंपिक्स में जो मेडल मिला है ना, गोल्ड मेडल मिला है बैडमिंटन में. नीरज चोपड़ा मिला है सर वो बैडमिंटन में मिला है. बैडमिंटन में पीवी सिंधु को मिला है सर. गोल्ड नहीं मिला, गोल्ड मेडल किसको मिला? पैरा ओलंपिक्स में सर होगा. किसको मिला? पैरा ओलंपिक्स में सर एक तो बैडमिंटन में सर उड़ीसा का है, नाम याद नहीं आ रहा सर मेरे को. उड़ीसा से बिलोंग करते हैं. अच्छा प्रदीप मेरे को ONGC के चेयरमैन साहब का नाम बताओ. सर सुभाष कुमार. क्या बैकग्राउंड है उनका? वो फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के सर 1985 बैच के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे सर, और वो पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं सर, और उन्होंने उस टाइम पे ज्वाइन किया था, और अभी करंटली वो CMD चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ONGC है सर, श्री सुभाष कुमार. अच्छा भी ONGC ने HPCL को ओवरटेक कर लिया. यस सर. तो क्या फायदा होगा इससे ONGC को? एक्चुअली सर ONGC क्या अभी अपस्ट्रीम कंपनी सर, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन की कंपनी थी सर, तो उससे क्या हुआ कि सर जो HPCL है वो डाउनस्ट्रीम कंपनी है, तो उसको क्या हुआ मल्टी एरियाज में वर्क करने का काम हो गया सर, एक्सप्लोरेशन से लेके कस्टमर नीड्स तक. पहले क्या होता था सर, जैसे मतलब ONGC केवल अपस्ट्रीम कंपनी थी जो क्रूड ऑयल को निकाल के केवल उन कंपनीज को देती थी जो कस्टमर तक पहुंचाती थी, जैसे डाउनस्ट्रीम कंपनीज को. लेकिन जो HPCL का जो उन्होंने ओवरटेक करके एक कंप्लीट चेन बना ली सर, कि उसको एक्सप्लोर से डायरेक्ट कंज्यूमर तक हमें वो एक कंप्लीट सप्लाई चेन हो गई सर, तो उससे ये फायदा हुआ. अच्छा आप कुछ और ऑयल कंपनीज के नाम बता सकते हैं पब्लिक सेक्टर? ये सर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये तो इंडिया की है सर. और HPCL का सर? HPCL सर, HPCL हिंदुस्तान. अच्छा इन तीनों के नाम में भारत का नाम आता है? ऑयल इंडिया लिमिटेड सर.
इन सब में भारत का नाम आता है, ऑयल इंडिया, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल, यस सर, ओएनजीसी में नहीं आता, ऐसा क्यों? ओएनजीसी में ये तो नो नहीं पता। अच्छा, ओएनजीसी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं आप प्रदीप? आपके पास और भी ऑप्शंस होंगे सर। ओएनजीसी इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूं क्योंकि एज ए फ्रेश इंजीनियर आई वांट टू स्टार्ट माय करियर विद बेस्ट कंपनी एंड ओएनजीसी इज लार्जेस्ट महारत्ना कंपनी which is only company in the India and deals in the exploration and production of the oil and natural gas. And sir, it will give me social status as it is PSU and it is very prestigious jobs. So it also provides me a work-life balance between professional and personal life as it provides accommodation to the family and family members and it also take care of health of the whole family members. So I want to join a company which take care of all my needs and pursue my dream as work as an engineer in a prestigious organization. लेकिन ये जो आप बताया सारी बातें ये तो बाकी कंपनियों में भी है, IOCL में है सर, बट ONGC is only deals in the sir exploration and production sir, it is only company and sir it will give me an opportunity to go offshore which is a dream for engineers to go in the offshore and offshore means 15 din ke liye jo chale jate hain. Yes sir to fir work life balance kaise banega sir? Every people has its own needs sir, as I want to spend more time with family, so 15 days off and 15 days on is best for me and I love to traveling, so in back 15 days I will travel and explore more, so it will be free time for me. नहीं तो आप जब 15 दिन आप ऑफ होगा तो क्या करोगे घर में बैठ के? सर ट्रैवल करूंगा और I love to do farming, so 15 दिन सर घर पे भी काम मतलब वगैरह कर सकते हैं सर. सर वी आल्सो डू फार्मिंग इन माय विलेज, सो देयर इज अ बैलेंस बिटवीन दीज टू. ओके, सो लेट मी प्रदीप गिव यू द फीडबैक नाउ ऑफ दिस सर दिस मच पार्ट. देखो प्रदीप, क्या है कि एक तो आपके पूरे के पूरे फीडबैक में ना एक तो ऐसा लग रहा है कि आपने आंसर्स को फ्रेम किया हुआ है. मैं आपको एक एक करके सारा बताता हूँ. पहले तो इंट्रोडक्शन आपने बहुत ज्यादा लंबा बताया, इतना लंबा इंट्रोडक्शन नहीं होता. और जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो बड़ी जगह पे रुके, फ्लो मेंटेन नहीं हो रहा है, बोलते बोलते रुक रहे हो आप. और आपने ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेशन दी जो इंट्रोडक्शन में रिक्वायर्ड नहीं है. परसेंटेजेस, बीटेक में इतना सीजीपी आ गया, उसमें इतना आ गया, फिर मैं इस कॉलेज से किया, फिर मैंने बीटेक प्रोजेक्ट ये किया, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, ये सारा वो आपसे लिखवा के आपसे ले लेंगे. आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरवाते हैं वो. इंट्रोडक्शन में सारी बातें नहीं बतानी होती. इंट्रोडक्शन में ये बताना होता है कि सर मैं, मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैं चरखी दादरी से हूँ, हरियाणा के. और ये नाम, ये बहुत फेमस प्लेस, ये नाम काफी फेमस हो गया था बिकॉज ऑफ अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट जो हुआ था, जिससे एक्सीडेंट की डायरेक्शन में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं. एंड हरियाणा से हूँ सर. उसके बाद आपने बताना कि सर मैंने ग्रेजुएशन किया है छोटू राम, दीनबंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी सोनीपत. आपने ईयर नहीं बताना, 2017 या जो भी है वो नहीं बताना. आफ्टर दैट सर आई डिड माई एमटेक एंड नाउ आई एम गोइंग फॉर इंटरव्यूज ऑफ वेरियस पीएसयूज. फिर बोलेगा और भी इंटरव्यू दिया? हाँ सर दिया मैंने. मैंने IUCL का दिया जिसमें मेरा नहीं हुआ, बता सकते हैं आप? यस सर. और फिर वो बाकी क्वेश्चंस आपसे पूछ लेगा. लेकिन अगर आप बोलेंगे मेरे फादर ये हैं, मदर ये हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में बताओगे ना, मतलब फादर का नाम बता देना, वो आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर हैं या रिटायर्ड हैं ऑफ आर्मी से, तो वो आप बता सकते हैं. लेकिन बहुत ज्यादा चीजें एडिशनल मत बताओ, हॉबीज, इंटरेस्ट, वो बाद में पूछ लेगा आपसे. यस सर. इंट्रोडक्शन प्रिसाइज रखो.
उसके बाद मैंने आपसे दो तीन क्वेश्चन पूछे कि आप आर्मी में क्यों नहीं जाना चाहते, तो आप बोलते नहीं साहब मेरे फादर साहब ने काफी सैक्रिफाइस किया है और वो चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊँ, ना ऐसा ये नहीं बोलना yes, आपने बोला कि सर मेरे को था इंटरेस्ट कि मैं आर्मी में जाऊं, लेकिन मैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स में मेरा इंटरेस्ट ज्यादा था, तो इन सब्जेक्ट्स के इंटरेस्ट, तो ट्वेल्थ के बाद मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया, फिर देन आई केप्ट ऑन परस्यूइंग इंजीनियरिंग करियर ओनली. श्योर सर, इस तरीके से बोलना कि मेरा जो इंटरेस्ट मैथ्स और फिजिक्स में था, दैट वाज द रीजन आई टुक इंजीनियरिंग सर, अदरवाइज डिफेंस इन आर्मी इज अ ग्रेट करियर ऑप्शन. यस सर. फिर क्यों ONGC ज्वाइन करना है, तो ऐसा लगा कि आप ONGC ही ज्वाइन करना चाहते, बाकी अगर आपको मिलती तो आप नहीं ज्वाइन करते. आप ये बोलना कि सर ONGC इज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस महारत्न ऑफ पब्लिक सेक्टर, और ये मैं कॉलेज डेज से ही मैं चाहता था कि पब्लिक सेक्टर ज्वाइन करूं. देयर आर मेनी रीजंस फॉर दैट, हाइपोथेटिकल रीजन नहीं देना कोई, ऐसा नहीं बोलना कि वर्क लाइफ बैलेंस हो जाएगा, हेल्थ फैसिलिटीज हैं, अकोमोडेशन मिलता है, वो नहीं, क्योंकि ये चीजों को ना वो IOCL के भी इंटरव्यूज में आपने देखा होगा, वो ड्रीम नाम वर्ड यूज करो, सिक्योरिटी यूज करो, जॉब सिक्योरिटी या वर्क लाइफ बैलेंस यूज करो, तो वो उसको अच्छा नहीं मानते वो लोग, इसलिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. तो वो टर्म यूज करने के बजाय आप ये बोल सकते हैं सर देर आर मेनी रीजन मैं क्यों ONGC ज्वाइन करना चाहता हूँ. एक तो ये बहुत अच्छा पब्लिक सेक्टर है, मतलब बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, महारत्ना कंपनी है, फॉर्च्यून 500 कंपनी है ये, और इसमें सैलरी बहुत अच्छा है सर, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, वर्क प्रोफाइल बहुत अच्छा मिलता है, इसलिए मैं पब्लिक ये ONGC ज्वाइन करना चाहता हूँ, और मैटर ऑफ प्रेस्टीज है, सो एवरीबॉडी नोस दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड बिकमिंग पार्ट ऑफ इट इज अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज. यस सर, ठीक है, से आप इसका आंसर करेंगे. यस सर, हाइपोथेटिकल आंसर वो नहीं पसंद करता, राइट. सो ये क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछे इनके ऊपर वर्कआउट करो, ये है इसका फीडबैक. yes. तो अभी आपको अब इस बेस पे आपको नंबर नहीं देगा वो, आपको फ्लो मेंटेन करना है, रिहर्सल करो, प्रैक्टिस करो, कामली कंफर्टेबली आंसर करने की ट्राई करो, राइट. yes, और जो जो मैंने क्वेश्चन पूछे वो कॉपी पे लिखते जाओ, और ऐसे एक डेडिकेटेड कॉपी लगा लो, और हम ऐसे ही क्वेश्चन और हम HR में करते जाएंगे, एंड देन यू कीप राइट. यस सर, ओके प्रदीप.